नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसी खबर जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं खुशी वाली है, क्योंकि पिछले लगभग मार्च 2020 से स्कूल बंद थे, लेकिन सबके बीच में आज स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया और आज कुछ स्कूल खुल भी गए हैं। कहाँ के स्कूल है, क्या कुछ है, क्या प्रोटोकॉल है, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो को शेयर करें और हर एक और सरकार के फैसला कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक अभिभावक हैं तो अभिभावक के तौर पर क्या आपको अपने बच्चों की चिंता है, तो क्या ये फैसला सही है या नहीं सही, ये भी आप लिखिए। ले चलता हूँ खबर की तरफ। क्या है कि पूरी की पूरी खबर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, ये तीन जगह हैं जहाँ पर आज से स्कूल खुल गए हैं। पंजाब में सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया है कि स्कूल में सिर्फ उन्हीं अध्यापक और स्टाफ को प्रवेश मिलेगा जिन्हें टीके की दोनों खुराक मिल गई हैं। साथ ही बिना अभिभावकों को लिखित सहमति के विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपको लिखित अपने बच्चों के लिए एक लिखित आपको देना पड़ेगा, तभी आपको वहां पर प्रवेश मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल खोलेंगे। शिक्षा सचिव ने भी निर्देश दिए हैं कि बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग स्कूल में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं व स्कूल स्टाफ को 48 घंटे के अधिकतम 48 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करनी जरूरी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार से ही 10वीं, 11वीं और 12वीं इस कक्षा के विद्यार्थियों की ही नियमित कक्षाएं लगेंगी। 5वीं से 8वीं कक्षों के जो बच्चे हैं वो शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने हिदायत दी है कि पंजाब में सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल में सिर्फ वही शिक्षक व स्टाफ प्रवेश कर पाएंगे जिन्हें टीके की दोनों खुराक लगी है। साथ ही बिना अभिभावकों के लिखित विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल में साफ सफाई के साथ ही रैंडम सैंपलिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अभी बंद ही रहेंगे वहां पर स्कूल कॉलेज। कोरोना प्रदेश को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रखने की फैसला लिया हुआ है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सीमित संख्या में कोविड टीका लगवा चुके स्टाफ सदस्य प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षण संस्थान जा सकेंगे। पंजाब में स्कूल खोलने के फैसले पर आपने जताई है इस समय आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार स्कूल खोलने के लिए फैसले पर आम पार्टी इस समय काफ़ी कड़ा रुख अपना लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि विद्यार्थियों को सुरक्षा के परिजनों को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई गारंटी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अचानक स्कूल खोलने का फैसला संदेहास्पद है, सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि डॉक्टरों और शिक्षा विशेषज्ञों के कौन सी रिपोर्ट के आधार पर अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है। चीमा ने कहा कि यह लगभग 7.5 लाख बच्चों के जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ फैसला है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 20% हिस्सा है और पंजाब का भविष्य भी है। चीमा ने यह कहा कि लाखों माता पिता की चिंताएं और डर दूर करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश कोरोना के प्रकोप को मुकम्मल तौर पर मुक्त हो गया है। कोरोना की दूसरी और चर्चित तीसरी लहर समय डेल्टा वेरियंट के खतरे से अब पंजाब पूरी तरह से सुरक्षित। परिजनों और अध्यापकों को पिछले 3-4 दिनों से देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। स्कूल खोलने के सभी 19,500 सरकारी 9,500 प्राइवेट स्कूलों को कोरोना रोकने के दिशा निर्देश अनुसार तकनीकी, डॉक्टरी और विशेष करके 6 फुट के शारीरिक दर जो दूरी है संबंधित सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। सरकार खास कर लिया है कि खासकर शिक्षा और सेहत विभाग को तसल्ली हो चुकी है कि सरकारी स्कूलों के सभी लगभग 22,08,349 और प्राइवेट स्कूल के लगभग 38 लाख विद्यार्थियों के लिए माता पिता या सरकार की ओर से मास्कों का पूरा प्रबंध हो और कोई भी विद्यार्थी स्कूल में बिना मास्क प्रवेश नहीं करेगा। 50 लाख विद्यार्थियों को कैसे संभालेंगे शिक्षक, ये सबसे बड़ा सवाल चीमा ने कहा है जो आम आदमी पार्टी के हैं। राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में लगभग 50 लाख विद्यार्थी हैं। इनमें मुकाबले शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। बच्चों को संभालने वाले अध्यापकों का अनुपात बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।
सरकारी स्कूल में कुल 22,08,339 विद्यार्थी हैं और के लिए 1,16,442 अध्यापक हैं। प्राइवेट स्कूल में 38 लाख विद्यार्थियों के लिए महज जो है 1,60,000 अध्यापक हैं। चीमा ने कहा कि ऐसे जमीनी हकीकत के कारण आप मुख्यमंत्री से बड़े फैसले के बारे में स्पष्टीकरण मांग रही है, यानी कि समय इसमें राजनीति जारी हो गई है। छात्रों के जो कहीं ना कहीं परिजन हैं, जो लोग हैं और छात्रों के कहीं ना कहीं जो गार्जियन हैं, उन्हें भी इस बारे में अपनी राय जरूर देनी चाहिए स्कूल में जाकर के, क्या ये सही या गलत है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्कूल को अब धीरे धीरे करके खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से काफ़ी बहुत खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार से चल रहा है स्कूल को खोला जाना, एक कोविड के जरिए भले वो कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया जाए हफ्ते में, अगर एक क्लास की स्ट्रेंथ 50 लोग की है तो कम से कम उनको वीक में 2 बार स्कूल अगर बुलाया जाता है तो भी 15-15, 10-10 करके तो भी वो चल सकता है कि कम से कम कुछ छात्र स्कूल जाएंगे तो कम से कम उनका पढ़ाई में कुछ ना कुछ आपसे इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।